हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संयमहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंडल वेश वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते, ये विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उन्हें शिवजी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में ये संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, ये विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज जी ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि दैव्य सहायता करे तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की शैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं लगता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। शिव जी वर देने वाले, शरणांगतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही हो, मैं अरोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती।
क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे ये भिक्षा दो कि वो ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से ये क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ये विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया, फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर गया, कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरव वर्ण श्रेष्ठ ब्रह्मा ने ऐसा उपदेश दिया है। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर, फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। ये बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वो स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चले। प्यारे कुटुम्बी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शीरा मुनि ने आकर सबको समझा कर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को ही खाया। फिर सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मा वाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह कलेशों को कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी मिलेंगे। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया।
याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद, सुख के धाम, मोह, मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र के गुणों को वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भटकती अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुत्र भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है।